बागेश्वर धाम से पैदल यात्रा शुरू करने के दौरान पीठाधीश्वर महाराज श्री ने लोगों से कहा कि वह शालीनता के साथ पदयात्रा में चलें, एक दूसरे का ख्याल रखें। यह एकता यात्रा सभी सनातनियों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी सनातनियों को एक माला में नहीं पिरोया जा रहा, तब तक उनकी कोशिश जारी रहेगी। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने सभी सनातनी प्रेमियों का सहयोग मांगा। महाराज जी ने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि इस मातृभूमि से किसे प्रेम है और कौन नफरत करता है। उनके साथ गोपाल मणि जी महाराज, संजीव कृष्ण शास्त्री जी, सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज, सुदामा कुटी, दीपक गोसाई जी भी पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ सुक्ष्तीन महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पंडित संजीव कृष्ण ठाकुर जी, दंडी स्वामी महाराज के अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, राज्य मंत्री दिलीप उहिरवार, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, विधायक अरविंद पटेरिया, ललिता यादव, राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान कांग्रेसी विधायक जयवर्धन सिंह आदि ने शामिल होकर महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। आज मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा प्रारंभ हुई है। मेरा संसदीय क्षेत्र आज गौरवान्वित है कि महाराज जी की पदयात्रा यहाँ से शुरू हुई है, मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला है। और एक बड़े उद्देश्य को लेकर महाराज जी ने जिस प्रकार से सामाजिक समरसता का सनातन धर्म को लेकर के यात्रा प्रारंभ की है, महाराज जी का हम सब अभिनंदन करें। जनता पूरा जिस प्रकार से उमड़ी है यात्रा के अंदर, महाराज जी का साथ सभी लोग निकले, मैं भी आज यात्रा में सम्मिलित हो रहा हूँ।